नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कौरी कौरेकी के बारे में जिनका जन्म 21 जनवरी उन्नीस को हुआ वह की जीपानी पूर्व वयस्क वीडियो कलाकार और एक मल्टीमीडिया व्यक्ति वाली मशहूर हस्ती हैं वह कई सारे समाज पर स्पष्ट विचार व्यक्त करने वाली मीडिया की काउंसलर के रूम में भूमिका की तुलना में सियोसान के कई सारी थेरेपिस्ट डॉक्टर रोहत और अभिनेत्री लिंडा लेवल के साथ पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। उनका असल स्टेज का नाम ब्लैक कैटी है जो कि उनकी जन्म की एक रूढ़ीवादी आरामदायक मध्यवर्गीय परिवार में उनका जन्म हुआ वह एक इंजीनियरिंग की बेटी है कुरु की एक स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली बच्ची थी और उनके कम उम्र से ही कलात्मक प्रतिभा नजर आई कहा महाविद्यालय में दाखिला लेने के लिए उन्होंने पंद्रह साल की उम्र में पब्लिक स्कूल छोड़ दिया और बाद में योकोहामा के नेशनल यूनिवर्सिटी में पूर्ण जागरण के तौर पर कला इतिहास में अपना अध्ययन किया योकोहामा नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ने व्यस्क वीडियो में अपनी नचा को दिखाना शुरू किया पहले तो उन्होंने इसे कला का दूसरा रूप माना और इसे पूरी तरह से एक प्रदर्शन कला के रूप में देखना चाहती थी लेकिन वह उस समय कहीं अधिक पागलपूर्ण निकला पड़ती थी वयस्क में वह कई सारे वीडियो को केवल एक बकवास फिल्म के रोह तौर पर जानती थी और वह उन्हें एक कला के रूप में देखना जारी रखती थी वह इतनी दूर नहीं थी कि वह उन्हें पा ना सके वह नगीसा ओशिमा इंग मॉर बैगमन और पिनोडित पृथ के तौर पर कई सारी फिल्मों में प्रशंसा व्यक्त करती हुई नजर आई लेकिन जबकि उनकी वह एक अपने एवी के प्रदर्शन के लिए एक सामाजिक मिशन के रूप में देखती रहती थी वह एक एवी की तुलना में फिल्म में काम करती थी वह कहती थी कि एक एवी एक अलग महलों प्रद करती हैं वह बहुत सारे प्रक्षिक्त नहीं थी वास्तव में वह एक अदामी है जो कि कुछ हद हाँ तक रेस्तरा में खाना और मेनू जैसे सर्व करने के लिए अपनी प्रतिभा को सामने रखती है अपनी भूख लगी रहती है और अचानक न्यूरल्स की लालसा होती है